हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में गार्डनिंग इन मी पे। आज मैं आपको अपने तुलसा के प्लांट दिखाऊंगी। मेरे पे दोनों तरह की तुलसा है, श्याम तुलसा और राम तुलसा। ये मेरी राम तुलसा है और ये मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई थी तुलसा। और देखिए, अब इसमें है ना वाइट वाइट कलर की फंगस सी लग गई है। और इसमें और ये मेरी श्याम तुलसा है, ये अपने आप ही बरसात में छोटी छोटी पौध निकल गई थी तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे पॉट में। और देखिए कितनी अच्छे इसमें अब तुलसा के पत्ते आ रहे हैं। और इनके हेल्दी रहने का एक कारण ये भी है कि मैं इन्हें शेड में रखती हूँ हमेशा। अब जैसे विंटर का सीज़न है तो बहुत फॉग पड़ता है तो ठंड से तुलसा का बचाव ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इन्हें शेड में रखती हूँ। तो ये तुलसा हेल्दी है। और जो मेरी वो तुलसा है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई, वो मेरी राम तुलसा जो मैं नर्सरी से लाई थी, वो थोड़ा सा बाहर रह गई थी मेरी लापरवाही के कारण, और उसमें फॉग के कारण थोड़ी सी फंगस भी लग गई। और मैंने कुछ देखा उसमें चींटियों ने भी थोड़ी थोड़ी घर बना लिया था, जैसे चींटियाँ घुस जाती हैं तो इनकी पत्तियों पर भी थोड़ी थोड़ी चींटियाँ थी। ये भी मेरी राम तुलसा है और ये भी बरसात में अपने आप ही गमलों में आ गई थी और इनको मैंने दूसरे गमले में लगा दिया। तो देखिए आप कितना अच्छा, मतलब अपने आप ही हेल्थी है। और मैं इनमें कुछ ऐसा खास फर्टिलाइज़र नहीं देती, बस पानी का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि जब पानी ज़रूरी होता है तभी देती हूँ, रोज़ इसमें पानी नहीं देती। विंटर में तुलसा मरने का एक कारण ये भी है कि हम रोज़ इसमें तब पानी देते हैं और एक ही नहीं घर के सारे मेंबर देने लग जाते हैं। उससे क्या है, इनकी जो जड़ें होती हैं अत्यधिक पानी के कारण ये सड़ने लग जाती हैं और तुलसा मरने लग जाती है। तो मैं पानी तो हमेशा थोड़ा ही देती हूँ, लेकिन ये चींटियों के कारण भी मेरी तुलसा का पौधा कुछ ख़राब होने लगा था। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ कि जो ये तुलसा है मैंने इसी शेड के नीचे रख दी है। कभी कभी मैं इनमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर देती हूँ क्योंकि इसमें कीड़े लग जाते हैं। अब देखिए इस तुलसा में जिसमें मेरी चींटियाँ लग गई हैं थोड़ी थोड़ी, तो मैं इसमें अब हल्दी का डाल रही हूँ और थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर दूँगी। और जब मैं इसमें पानी दूँगी तो ये हल्दी नीचे चली जाएंगी, तो इसमें थोड़ी थोड़ी जो चींटियाँ हैं उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। और ये मैं अभी हफ्ते में दो बार ज़रूर करूँगी क्योंकि मेरा एक प्लांट बहुत ख़राब हो रहा था, मैंने उस पर ये प्रयोग करा तो उसकी चींटियाँ आ गई और प्लांट भी ग्रो कर रहा है। उसकी वीडियो मैं आपके साथ थोड़े दिनों बाद शेयर करूँगी। और इसकी जो पत्तियों पे फॉग भी लग गया था तो मैंने अब क्या करा था, कुछ समय से मैं कर रही थी, मैंने ये हाफ लीटर की पानी की बॉटल है इसमें मैंने इतनी ये हल्दी डाली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे शेक करके। और इसका मैं इस समय जिन भी प्लांट पे चींटियों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है स्प्रे करती हूँ। और आप देखिए इससे मेरी तुलसा जो पहले मैंने आपको बिल्कुल शो करी थी उसमें कोहरे का बहुत असर था और तुलसा के पत्ते बहुत डैमेज हो रखे थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि मेरी तुलसा का काफ़ी मतलब सही हो गई है, हेल्दी हो गई है। तो अब ये प्लांट मेरा